टेंशन। नमस्कार, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बस्तर दशहरा के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें बस्तर दशहरा में फॉलो करने वाले जितने भी रिचुअल्स हैं, परंपरा है, रस्म है, उन जो प्रमुख रस्म जो आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं, उन रस्मों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से इस चीज को समझते हुए चलिएगा, क्योंकि बस्तर संभाग के हर एक फैक्ट से, हर एक चाहे कल्चरल एक्टिविटी हो चाहे जनजाति हो, उनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और बस्तर दशहरा से तो अक्सर ही क्वेश्चन बनाया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बस्तर दशहरा के बारे में। तो बस्तर दशहरा का जो प्रारंभ किया जाता है वो श्रावण अमावस्या, इसी को हम हरेली अमावस्या कहते हैं। इस समय बस्तर दशहरा का प्रारंभ होता है और समापन होता है अश्वनी शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन। तो ये दो समय आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के लिए। पहला प्रारंभ कब होता है? श्रावण अमावस्या के समय या हरेली अमावस्या के समय, और समापन होता है अश्वनी शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन। अब एक चीज इंपॉर्टेंट, बस्तर दशहरा पूरा वर्ल्ड फेमस है सबसे लॉन्ग टाइम तक सेलिब्रेट करने के लिए। पूरे भारत में 75 दिन तक कहीं का बस्तर दशहरा को सेलिब्रेट किया जाता है, वो है बस्तर का, ठीक। लेकिन इस साल 2023 में कुछ ऐसा मुहूर्त, कुछ ऐसा नक्षत्र के कारण 2023 में ये बस्तर दशहरा 107 दिन का मनाया जा रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है कि 2023 में बस्तर दशहरा कितने दिनों का मनाया जा रहा है, क्योंकि दिन से अक्सर क्वेश्चन बनता है। जनरली हम इसे 75 दिन का मनाते हैं, लेकिन 2023 में इसे 107 दिन का मनाया जा रहा है, ठीक। कितना चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए हिस्ट्री जानते हैं थोड़ा सा बस्तर के। एक बार काकती वंश एक राजा हुआ जिसका नाम था पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव ये काकती वंशी राजा थे, है ना, और प्रतापी राजा थे काफी। तो एक बार ये गए थे जगन्नाथपुरी की यात्रा करने के लिए। जगन्नाथपुरी की यात्रा किए, जब मंदिर के पास पहुंचे तो ऐसा बताते हैं इतिहासकार लोग कि ये पेट के बल सरकते हुए मंदिर में प्रवेश किए थे। तो उस समय उड़ीसा का जो राजा था, ये पुरुषोत्तम देव के भक्ति को देख के काफी, मतलब वो इम्प्रेस हो गए राजा के लिए। तो उन्होंने उड़ीसा के जो जगन्नाथपुरी मंदिर के जो पुजारी थे, उन्हें यह आदेश दिया कि आप राजा को रथ गिफ्ट कीजिए। रथ 16 चक्कों वाला रथ दिया पुजारी के माध्यम से इसे तो राजा पुरुषोत्तम देव को, और रथ गिफ्ट करने के साथ साथ इन्हें एक उपाधि दिया गया था रथपति, ठीक, रथपति। राजा पुरुषोत्तम देव को रथपति का उपाधि दिया गया था उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर के पुजारी के माध्यम से। और जब राजा गए थे जगन्नाथपुरी मंदिर में, तो काफी सारा, अब राजा है तो खाली हाथ तो जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाएगा चढ़ावा चढ़ाने के लिए। तो ये लेके गए थे लगभग 1,00,000 सोने का सिक्का, स्वर्ण मुद्रा दान करके आए थे, और भी तमाम प्रकार की चीजें थी, लेकिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा। एक बार पूछ चुका है कि राजा पुरुषोत्तम देव ने कितने लाख स्वर्ण की मुद्राएं जगन्नाथपुरी मंदिर में दान किए थे, तो 1,00,000 स्वर्ण की मुद्राएं इन्होंने दान किया था, ठीक। रथपति का उपाधि दिया पुजारी के माध्यम से। अब हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि वर्तमान समय में जो बस्तर दशहरा का सबसे, मतलब देखने लायक जो सीन होता है वो होता है रथ यात्रा। इनको रथ, 16 चक्कों वाला रथ गिफ्ट किया गया। गिफ्ट करने के बाद ये रथ लेकर के वापस बस्तर अंचल में आए। बस्तर अंचल में आने के बाद ये जो राजा है, जिस दिन वे आते हैं तो उड़ीसा में जैसे गुंडीचा पर्व मनाते हैं, ठीक उसी तरह से गुंडीचा पर्व के तर्ज पे बस्तर में गोचा पर्व प्रारंभ किया। लेकिन ये ध्यान में रखिए ना, बस्तर में गोचा पर्व का प्रारंभ करते हैं पुरुषोत्तम देव, दशहरे का नहीं, गोचा पर्व का। दशहरे में रथ यात्रा का प्रारंभ करने वाला है आपके पुरुषोत्तम देव जी। दशहरे मतलब पुरुषोत्तम देव से पहले भी बस्तर अंचल में दशहरा को सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन रथ यात्रा जैसे वहां पर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं की जाती थी, है ना। राजा पुरुषोत्तम देव के आने के बाद बस्तर दशहरा में रथ यात्रा का प्रारंभ किया गया, ठीक। एक चीज और है कि बस्तर दशहरा एक ऐसा दशहरा है जिसका संबंध रामायण से है ही नहीं,
ये पूरा बस्तर दशहरा समर्पित होता है वहां की जो आराध्य देवी है माँ दंतेश्वरी, और बस्तर अंचल के जितने भी देवी है चाहे वो मावली माता हो और भी दो चार देवी है, ये इनके ऊपर पूरा समर्पित रहता है। ठीक, तो इतना चीज हम जान लिए। शुरुआत कब होता है? श्रावण अमावस्या के समय, हरेली के समय। समापन होता है अश्वनी शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को। कितने दिन का सेलिब्रेशन होता है? तो 75 दिन का, है ना, और 2023 में 107 दिन का इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक, बस्तर दशहरा में रथ यात्रा शुरुआत, रथ यात्रा प्रारंभ करने वाला राजा शाक्तिवंशी राजा कौन थे? तो राजा पुरुषोत्तम देव। ये गए थे एक बार जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में 1,00,000 स्वर्ण के सिक्के भेंट किए और वहां के पुजारी ने उन्हें रथ देकर 16 चक्कों वाला रथ दिए थे और रथ देकर रथपति का उपाधि भी धारण किए थे वो। ठीक, अब पढ़ रहे हैं तो राजा अकेला नहीं जाता, कहीं ना कहीं उसके साथ एक आदिवासी समूह भी गया था। वो समूह गया था राजा जी का सेवा करने के लिए। ठीक, आदिवासी समूह। ये आदिवासी समूह गए थे राजा पुरुषोत्तम देव की सेवा करने के लिए। जब ये जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा करके वापस आते हैं तो उन आदिवासी समूह को एक उपाधि देता है भद्र का, है ना। गए किस लिए थे ये आदिवासी समूह? सेवा करने के लिए राजा जी का। और ये राजा जी इस आदिवासी समूह को देते हैं भद्र का उपाधि। फिर ये भद्र का उपाधि आगे चल के भत्रा जनजाति कहलाया। ठीक, समझ में आया होगा। आगे चल के भत्रा जनजाति कहला, और आज भी भत्रा जनजाति का विशेष कार्य सेवा करना ही। तो इतना हिस्ट्री, ये इतना बातें आपको लेके चलना है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें हुई। अब हम आगे देखते हैं बस्तर दशहरा के प्रथम कार्यक्रम पाट यात्रा के बारे में। पाट यात्रा से बस्तर दशहरा प्रारंभ हो जाता है ना। पाट यात्रा में आदिवासी लोग जंगल जाते हैं, जंगल से लकड़ी काट के लाते हैं रथ बनाने के लिए, है ना। रथ बनाने के लिए लकड़ी काट के लाएंगे। अब रथ बनाने के लिए जो लकड़ी काट के लाए हैं उसका एक बड़ा टुकड़ा, ये देखिए ये लकड़ी है, इसका एक बड़ा टुकड़ा दंतेश्वरी मंदिर के सामने लाकर रखते हैं। और दंतेश्वरी मंदिर के सामने लाकर रखने के बाद रथ बनाने के लिए जो लकड़ी और साथ साथ रथ बनाने के लिए जो औजार का यूज करते हैं, वो उन सारे औजारों का पूजा पाठ पूरा विधि विधान तरीके से पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, इसमें बलि प्रथा भी होती है, बकरों का बलि दिया जाता है, मंदिर के सामने रखते हैं। इस लकड़ी को बोलते हैं टुरलु खोटला, टुरलु खोटला। ठीक, पूछ सकता है एग्जाम में टुरलु खोटला क्या है। तो पाट यात्रा कार्यक्रम जो बस्तर दशहरा में एक हिस्सा है उनके रस्म का, उसमें जिस लकड़ी का प्रयोग करते हैं पूजा पाठ करने के लिए दंतेश्वरी मंदिर के सामने में ले जाकर रखते हैं, उसको बोलते हैं टुरलु खोटला। ठीक, उसका पूजा पाठ किया जाता है, उसके बाद रथ बनाने का कार्य शुरू करते हैं, रथ निर्माण का कार्य शुरू करते हैं। तो समझ में आया, इस कार्यक्रम के तहत रथ निर्माण का प्रारंभ किया जाता है, तो वह है पाट यात्रा कार्यक्रम। ये बस्तर दशहरा का प्रथम कार्यक्रम है, ध्यान में रखिए कार्यक्रम है, रस्म नहीं है। रस्म हम आगे पढ़ेंगे। डेरी गड़ाई का मतलब ऐसा है, ये डेरी गड़ाई, ये आप जो लकड़ी देख रहे हैं ये होता है साल का, इसी को सरगी भी बोलते हैं, साल या सरगी, अंचल भाषा में सरगी भी बोलते हैं। साल का एक लकड़ी लेके आएंगे जंगल से, और जैसे शादी जब करते हैं हम लोग तो शादी में मंडप गढ़ाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से किसी भी प्रकार का बस्तर दशहरा में विघ्न उत्पन्न ना हो ऐसा करके ये डेरी गड़ाई का रस्म निभाते हैं। ठीक है, पूरा विधिवत पूजा पाठ करके डेरी गड़ाई का रस्म निभाते हैं। साल या सरगी का लकड़ी होता है, तो ये हो गया डेरी गड़ाई का रस्म। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिचुअल या नेक्स्ट उनके जो रस्म है वो काछिन गादी रस्म, फेमस रस्म है।
एक बार पूछ भी चुका है कि बस्तर दशहरा का पहला रस्म कौन सा है, प्राचीन गादी। देखिए ध्यान में रखिए, पहला कार्यक्रम पाट यात्रा, पहला रस्म काचिन गादी। कंफ्यूज नहीं होना, यदि कार्यक्रम बोल रहा है तो आपको आंसर लेना है पाट यात्रा, रस्म बोल रहा है तो लेना है आंसर आपको काचिन गादी। काचिन गादी परंपरा में क्या होता है, कांटो वाला होता है गद्दी, जैसे आप फोटो आप देख रहे हैं ना, ये कांटो वाला गद्दी या कांटो वाला झूला है। इसमें महार जाति का एक कन्या, महार जाति ठीक, महार जाति का एक कुमारी कन्या, कुमारी कन्या जिसका एज 16 साल से कम हो उम्र, ठीक 16 साल से कम है, उसको काचिन गादी परंपरा के लिए चुना जाता है। ऐसा मानते हैं कि उनके ऊपर काचिन गादी देवी आती है ना, और उनके देवी जब देवी उनके ऊपर आते हैं तो इस बच्ची को जो महारा जाति की जो बच्ची, महार जाति की जो बच्ची होती है उसे काला कपड़ा पहनाकर इस झूले पे, कांटे वाले झूले पे बिठाया जाता है या सुलाया जाता है। जब उनके ऊपर देवी आती है और वो, और ये जो बच्ची होती है जो कन्या इस कांटे वाले झूले पे जब सोती है तो उस टाइम वहाँ के जो राजा होते हैं, पुजारी होते हैं, काचिन गादी देवी जब इनके ऊपर आती है तो आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, तो काचिन गादी देवी फूल छिड़क कर, राजा जी के ऊपर फूल छिड़क कर उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि बस्तर दशहरा शांतिपूर्ण तरीके से, किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं होगा और शांतिपूर्ण तरीके से बस्तर दशहरा संपन्न होगा। ऐसा करके राजा जी आशीर्वाद लेते हैं और काचिन देवी जी उनको आशीर्वाद भी देती हैं। ठीक, तो जनजाति को, सॉरी जाति कौन सा, महार जाति की कन्या, काचिन गादी रस्म बस्तर दशहरा का पहला रस्म है। ठीक, इसमें कांटो वाले सेज या कांटो वाले झूले पे एक कम उम्र की कुंवारी कन्या को सुलाया जाता है उसमें। ठीक, पहला पूजा क्या है बस्तर दशहरा में, जितने भी रस्म है ना वो पूरा रस्म कहीं ना कहीं इतिहास से जुड़ा हुआ है। आप वहाँ के लोकगीत भी सुनोगे तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे हिस्ट्री जानने को मिल जाएगा। जैसे कलचुरी वंश से एक रिलेटेड है गोपल्ला गीत, आप गोपल्ला गीत के बारे में सुनोगे तो वहाँ उसमें राजा कल्याण शाह के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐसे ही बस्तर के लोकगीतों में भी आपको रैला देवी के बारे में जानने को मिलेगा। तो इसका हिस्ट्री आप जानते हैं थोड़ा सा, क्या होता है रैला पूजा, क्यों रैला पूजा किया जाता है, इसका हिस्ट्री थोड़ा ध्यान से चलते हैं। वर्तमान समय में जो आप जो काकतीवंशी शासक जो बस्तर संभाग बस्तर रियासत में शासन किए उनका संबंध है वारंगल से, वारंगल के काकतीवंशी राजा थे तो उनके ऊपर अटैक हुआ था। फर्स्ट टाइम खिलजी वंशी शासकों ने किया, सेकंड टाइम तुगलक वंशी शासकों ने किया। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 1309 ईस्वी के आसपास जब खिलजी शासकों ने वारंगल पर आक्रमण किया उस समय राजा थे राजा रुद्र प्रताप देव। राजा रुद्र प्रताप देव और उनके एक भाई थे अन्नम देव और उनके एक बहन थी रैला देवी। ध्यान में रखिए, उनके एक सिस्टर थी जिनका नाम था रैला देवी और खिलजी वंश का शासक था बख्तियार खिलजी और उनके एक सेनापति, फेमस है सेनापति सुने होंगे आप, मलिक कफूर। जब अटैक किया वारंगल पे तो राजा जो प्रताप रुद्रदेव या रुद्र प्रताप, सॉरी प्रताप रुद्रदेव जी जो थे वे सोने के जंजीर लेके और अपने मूर्ति बनवा के सोने का उनके सामने पेश किए, ठीक नजराना। तो ऐसा माना जाता है कि किसी खिलजी सेनापति के द्वारा इस रानी रैला देवी का किडनैप कर लिया गया था और कुछ एक दो दिन रखने के बाद उन्हें वापस छोड़ दिया गया। लेकिन छोड़ दिया गया ठीक है, रैला देवी जी को किडनैप किए थे और छोड़ दिए अब, लेकिन उसको फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं किए, राज परिवार के जो लोग थे वे रैला देवी जी को एक्सेप्ट नहीं किए। तो रैला देवी जी काफी बोली, रोई, गाई कि रख मतलब एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उस समय एक जाति हुआ करती थी मृगान, मृगान जाति, ध्यान से समझ चलना है, मृगान जाति के लोग रैला देवी को एक्सेप्ट किए और ये रैला देवी जी जो हैं
मृगान जातियों के साथ रहने लगे। अब ऐसा इतिहास के अनुसार देखें तो एक हरिजन समाज है मृगान जाति, है ना, उनके साथ ये रेला देवी रहती थी। अब चूंकि ये रियासत, इतनी बड़ी रियासत का रानी किसी जनजातियों के साथ रह, सॉरी किसी जाति, मृगान जाति लोग के साथ भी रह रहे, तो उनके लिए छोटी मोटी बात नहीं थी। तो उनसे रैला देवी से इस जाति के लोगों को काफी ज्यादा लगाव हो गया था, लेकिन परिवार वाले इनको एक्सेप्ट नहीं किए रैला देवी को। इसलिए इस दुख में एक दिन समय पा करके बीजापुर वाला जो क्षेत्र है, बीजापुर के पास भोपालपट्टनम, वहां पे गोदावरी नदी के किनारे वे रैला देवी सुसाइड कर लेती हैं, ठीक, जिसको हम बोलते हैं जल समाधि ले लेती हैं वो, है ना। तो इस बात से इस समाज को काफी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उन्हीं के साथ में थी, काफी टाइम तक उनके साथ समय बिताए थे। तो इस मृगान जाति के लोग रैला देवी के नाम से बस्तर दशहरा में जो श्राद्ध क्रम करते हैं ना, श्राद्ध कार्य, श्राद्ध कार्यक्रम या श्राद्ध पूजा कह सकते हैं, मृगान जाति के लोग जो श्राद्ध पूजा करते हैं उसी को बस्तर दशहरा में हम बोलते हैं रैला पूजा। जो श्राद्ध क्रम ही होता है उनका, श्राद्ध क्रम धीरे धीरे बस्तर दशहरा का एक बन गया रिचुअल का, और फिर वो रैला देवी के नाम से किया जाने लगा। रैला देवी का जो जो ये मृगान जाति के जो महिलाएं होती हैं वे एक गीत गाती हैं रैला रैला करके, इसमें थोड़ा सा करुण रस है। मृगान जाति के लोग एक गीत गाते हैं रैला रैला करके, वो कोई और रैला नहीं, वो इसी रैला देवी के बारे में ही बात करते रहते हैं, ठीक। इतना आप समझ में आ गया, रैला देवी, अत्ति वंशी राजा प्रताप देव, अन्नम देव और उनकी एक सिस्टर रैला देवी, रैला देवी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वे जल समाधि ले लेती हैं गोदावरी नदी पे, और कुछ समय के लिए वे मृगान जातियों के लोगों के साथ समय बिताती हैं। और यही मृगान जाति के लोग बस्तर दशहरा में सात क्रम का कार्य करते हैं रैला देवी का, वही रैला पूजा कहलाता है, ठीक। एक गीत गाते हैं रैला रैला करके मृगान जाति के महिलाओं के द्वारा। आज भी आप जाइए, अभी बस्तर दशहरा स्टार्ट हो गया है, गोल बाजार है जगदलपुर में, उस गोल बाजार में एक प्लेस है, निश्चित प्लेस है, वहां पे इनका पूजा किया जाता है रैला देवी के। जोगी बिठाना या बिठाई क्या है, पूछ चुका है एक बार, हो सकता होगा और पूछ ले। जोगी बिठाना या बिठाई, देखो द गॉड ऑफ आदिवासी कक्तिवंशी राजा प्रवीण चंद्र भसदेव जी को कहा जाता है ना। इनके समय में जब बस्तर दशहरा का सेलिब्रेशन किया जा रहा था, उस टाइम एक आदिवासी युवक राजमहल के पास में ही बैठ गया अनशन में, मतलब उपासना में, कि 9 दिन तक कि बस्तर दशहरा में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो, इसीलिए वे 9 दिन तक उपासना कर बैठ गया, ठीक। तो राजा जी इनसे काफी ज्यादा प्रसन्न हुए, और फिर ये चीजें जोगी बिठाने की जो रस्म है वो बस्तर दशहरा में शामिल किया गया। तो अब ये जो 9 दिन तक जो उपासना करते हैं, ये उस टाइम जो बैठे रहे होंगे उन्हीं का पीढ़ी आज भी बैठते हैं। ये जो आप व्यक्ति देख रहे हैं ना, ये उस टाइम जो व्यक्ति बैठा रहा होगा 9 दिन के लिए उपासना करने, उन्हीं के पीढ़ी आज भी यहाँ पे बैठते हैं। जोगी बिठाई रस्म का जो कार्यक्रम है उसको फॉलो करते हैं, 9 दिन तक बैठेंगे। इसमें एक क्या चीज होता है इंपॉर्टेंट, इसमें कलश भी बिठाते हैं, कलश बिठाने के साथ साथ पुजारी का भी नियुक्त करते हैं। ये अपने आप को हलबा मानते हैं, हलबा जनजाति, ठीक, हलबा ट्राइब्स, तो कुछ इनको पनका जनजाति भी बोलते हैं, है ना। ये ध्यान में रखना है, जोगी बिठाई रस्म में क्या होता है, एक आदिवासी युवक जो या तो हलबा से होगा या तो पनका जनजाति से होगा, वे एक गड्ढे पे बैठते हैं 9 दिन तक उपास रहते हैं उपासना में, ताकि बस्तर दशहरा में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो, और साथ में कलश भी बिठाया जाता है। एक भवन है जोगी बिठाई रस्म किस भवन में किया जाता है, ऐसा भी पूछ सकता है ना, तिरहासार भवन, तिरहासार भवन, समय के साथ इसको बना दिया गया, एक भवन बना दिया गया कि अब इसी भवन पे, हो सकता होगा जिस समय राजा प्रवीण चंद भसदेव जी के समय जो व्यक्ति बैठा था, जिस ऐसा मानते कि पहले वो धीरे धीरे वो झोपड़ी के जैसे था, फिर उसके बाद उसको भवन में तब्दील कर दिया गया, है ना।
ना, तो आधुनिकता आई, चीजें बदली, तो चीजें बदली तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक सेपरेट जगह बना दिया गया जिसका नाम दिया गया है सिरहासार भवन। जोगी बिठाना रस्म, पूछ चुका है क्या होता है, तो कलश, एक तो कलश कलश बिठाते हैं, कलश जलाते हैं, कलश बैठाते हैं, और उसके अलावा ये किस भवन में होता है, तो सिरहासार भवन में होता है। रथ की परिक्रमा, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था दस्तर दशहरा में रथ यात्रा का शुभारंभ किया था राजा पुरुषोत्तम देव जी ने। दस्तर दशहरा पहले से भी सेलिब्रेट करते थे लेकिन उसमें रथ यात्रा का शुभारंभ किया राजा पुरुषोत्तम देव जी ने। ये जब ये जो रथ प्रक्रिया है इसमें दो रथ बनाते हैं, है ना, एक होगा चार पहियों वाला, एक होगा चार पहियों वाला और एक होगा आठ पहियों वाला। ठीक, एक होगा चार पहियों वाला, एक होगा आठ पहियों वाला। चार पहिये वाला जो रथ को बोलते हैं फूल रथ, फूल रथ, और आठ पहियों वाला जो रथ है तो बोलते हैं रैनी रथ, रैनी। ठीक, और इसके अलावा भी इसको एक और नाम दिया जाता है विजय रथ, विजयदशमी के दिन, आगे बताएं पढ़ेंगे हम इनके बारे में, विजय रथ। ठीक, चार टोटल मतलब दो रथ निकालते हैं, एक रथ होगा चार पहियों वाला, एक होगा आठ पहियों वाला। ठीक, चार पहियों वालों को बोलते हैं फूल रथ, आठ पहियों वाले रथ को बोलते हैं रैनी रथ या विजय रथ। अब चार पहियों वाले रथ का किया जाता है नगर में भ्रमण, पूरे जगदलपुर जो शहर है ना राजमहल के आसपास, तो पूरे जगदलपुर शहर में इस चार पहियों वाले रथ का नगर भ्रमण किया जाता है। रैनी रथ क्या क्या काम है जो आठ चक्के वाला है, तो इसमें आने आगे हम पढ़ेंगे एक रस्म होगा बाहर रैनी और भीतर रैनी, उसमें इसका रोल होता है आठ चक्के वाले रथ का। पूछ सकते हैं क्वेश्चन, बताइए कि बस्तर दशहरा में भीतर रैनी में कितने चक्कों वाला रथ का प्रयोग करते हैं, या नगर भ्रमण के लिए कितने चक्कों वाला रथ का प्रयोग करते हैं। ध्यान में रखिए, या चार चक्के वाले रथ का क्या नाम है फूल रथ, और आठ चक्के वाले का रैनी रथ या विजय रथ। तो इन रथ का प्रक्रिया कराते हैं, ध्यान में रखिए चार चक्के वाले रथ का ही नगर भ्रमण कराया जाएगा। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना है जो बताते जा रहा हूँ। हर एक फैक्ट एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करते हुए चलना है। बेल पूजा, कुछ अलग अलग कुछ रस्म होते हैं उसमें, तो इसमें राजा जी जाते हैं पास के गांव में, पास के गांव में जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि वहां के राध्य देवी जो दुर्गा देवी है तो उनको मतलब प्रसन्न करने के लिए एक पूजा होता है बेल पूजा, वहां पे बेल तोड़ करके लाया जाता है। ठीक, तो ये बेल पूजा आप ध्यान में रखिए, इसका सिर्फ एक हिस्सा है इस बस्तर दशहरे का। निशा यात्रा, निशा का अर्थ होता है रात, यात्रा का मतलब पूजा पाठ, है ना। निशा यात्रा में क्या होता है, इस दिन रात का परिक्रमा नहीं किया जाता, इंपॉर्टेंट है। रथ भ्रमण नहीं किया जाता है, ध्यान में रखिए। बस्तर दशहरा के इतने सारे रस्म है, लगभग 13 प्रकार के रस्म है, इसके अलावा और भी बहुत सारे रस्म है लेकिन 13 प्रकार के विशेष, और 13 दिन का ही मेजरली सबसे अच्छा सेलिब्रेशन किया जाता है। तो उसमें से इस यात्रा के अंतर्गत रथ का भ्रमण नहीं कराया जाता, वो है निशा यात्रा। निशा यात्रा में क्या होता है, ऐसा पहले इतिहासकारों के अनुसार यदि देखें, बस्तर को पहले तंत्र साधनाओं का केंद्र भी माना जाता, गुमनाम एक साइलेंट सेंटर था वो, बहुत कम लोगों के बारे में इनकी जानकारी थी, ऐसा इतिहासकार मानते हैं, है ना। तो निशा यात्रा के दिन एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है, उस दिन बकरे का बलि दिया जाता है, बलि, कितना बकरा, तो 13 बकरे का बलि दिया जाता है बस्तर अंचल में जितने भी देवी देवता हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, है ना, उनको प्रसन्न करने के लिए 13 बकरों का बलि दिया जाता है। वो कौन से रस्म के अंतर्गत में है, तो निशा यात्रा, निशा यात्रा के अंतर्गत में है। तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना है, ऐसा है कि बस्तर दशहरा के जितने भी रस्म है विशेष रस्म में बलि प्रथा है, कहीं ना कहीं हर एक रस्म में बकरे का बलि दिया जाता है लेकिन 13 बकरे का बलि दिया जाता है निशा यात्रा में, है ना, देवी देवताओं को बस्तर अंचल के जितने भी देवी देवता है करने के लिए। जोगी उठाई, पहले हम पढ़े थे जोगी बिठाई, अब जोगी उठाई, जैसे इनका 9 दिन का पूरा
उपासना कंप्लीट होगा उस दिन ये जोगी उठाई का कार्यक्रम किया जाता है। ये जो जोगी बैठे हैं, इसके इसके लिए जोगी शब्द यूज करते हैं, जोगी ये जो बैठे हैं उपासना करने के लिए, इनको 9 दिन बाद पूरे विधि विधान से इनको इनके आसन से उठाया जाता है। ठीक, तो जोगी बिठाई में एक तो युवक, एक आदिवासी युवक बैठता है 9 दिन उपासना के लिए, जोगी बिठाई में 9 दिन का उपासना कंप्लीट होगा, उसके बाद वे उठ जाते हैं। मावली परघाव है, सॉरी परछाव नहीं है, परघाव, मावली परघाव। बस्तर अंचल में आप पढ़ोगे ना, दंतेवाड़ा में मावली माता का मंदिर है, रायनपुर में मावली माता मेला लगता है ना, तो माली परघाव, परघाव परघाना मतलब क्या होता है उनको, मतलब छत्तीसगढ़ी अंचल में बोलते हैं ना कि बरात परघाए बर जाबो, तो वही है मावली माता को, मावली परघाव, जिसमें दंतेवाड़ा में माता मावली का पालकी लाया जाता है, पालकी पालकी दंतेवाड़ा में जो माता मावली का जो मंदिर है, ये आदिवासी युवक चार, एक दो तीन इधर चार, उनका पालकी को लेकर के वे जगदलपुर आएंगे दशहरा में। जगदलपुर को आप ऐसा कह सकते हैं कि जगदलपुर अंचल में जितने भी देवी देवता हैं वो साल में एक बार एक साथ एक जगह पे इकट्ठे होते हैं बस्तर दशहरा में, है ना। तो उस समय दंतेवाड़ा में जो मावली माता का मंदिर है वहां से पालकी लाया जाता है, ये दंतेवाड़ा है ना, दंतेवाड़ा मंदिर, वहां से पालकी को लेके जाते हैं जगदलपुर। तो ये चार लोग जाते हैं, मड़िया जनजाति के लोग होते हैं, चारों मड़िया जनजाति के लोग माता मावली का पालकी लेकर के जगदलपुर में जाते हैं। नितर रैनी, जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा, 8 चक्कों वाला रथ को रैनी रथ बोलते हैं। रैनी रथ क्यों बोलते हैं, इस कारण एक रश्म होता है भीतर रैनी और बाहर रैनी, है ना। भीतर रहने में क्या होगा, जो 8 चक्के वाला जो रथ होगा उसको चोरी किया जाएगा, ये प्रथा है ना, उसको चोरी किया जाता है भीतर रहने के अंतर्गत। एक रथ को किया जाएगा चोरी, और चोरी करके लेके चले जाते हैं कुम्हड़ा कोंटा, कुम्हड़ा कोंटा, ठीक, ये रथ है 8 चक्के वाले रथ को भीतर रहनी रश्म के अंतर्गत चोरी करके लेके जाते हैं। गांव का नाम ध्यान में रखना है, कुम्हड़ा कोंटा, नहीं भूलना है नाम, पूछ सकता है बस्तर दशहरा में किस रस्म के तहत रथ को चोरी करके कुम्हड़ा कोंटा लेके जाते हैं, भीतर रहनी, या भीतर रहनी में रथ को चोरी करके किस ग्राम में लेके जाते हैं, तो कुम्हड़ा कोंटा, ध्यान में रखना है इस चीज को, है ना। नेक्स्ट करिए सर, भीतर रहनी हुआ, रथ को चोरी करके लेके चले गए, अब रथ को छुड़ाने के लिए जाएंगे राजा जी, ये हो गए हैं राजा, राजा जी जाएंगे कुम्हड़ा कोंटा, कुम्हड़ा कोंटा में रथ को छुड़ा के लेके रखे आएंगे। तो ये हो गया बाहर रहनी, भीतर रहनी में कुम्हड़ा कोंटा लेके जाते हैं, बाहर रहनी में कुम्हड़ा कोंटा से छुड़ा के लाते हैं रथ को। ठीक, लिख देता हूँ, रथ ये आपको ध्यान में रखना, बाहर रहनी और भीतर रहनी। मुरिया दरबार, पहले जी देखिए मुरिया दरबार मैं बता रहा हूँ, हर एक रस्म हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है ना। एक विद्रोह हुआ था, मुरिया विद्रोह पता होगा आपको, 1876 में बस्तर में, उस समय झाड़ा सीरम के लीडरशिप कर रहे थे। मुरिया दरबार उस समय मैक जॉर्ज नामक एक ब्रिटिश अधिकारी आया था, और राजा और मुरिया जनजाति के लोग दोनों के बीच में संधि कराए थे। उस समय दीवान गोपीनाथ नाम का कोई दीवान था, तो उसको वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा बोलते हैं कि प्रताड़ित करते थे वहाँ के जनजाति को, तो उनका दीवान बनाना मुरिया जनजाति के लोगों को या बस्तर अंचल में जो आदिवासी थे उनको ये स्वीकार नहीं था। तो उसको हटाने के लिए जब राजमहल का घेराव किया गया था मुरिया जनजाति के लोगों के द्वारा, उस समय मैक जॉर्ज आए, दोनों के बीच में समझौता करवाए, राजा जी और मुरिया जनजाति के बीच में, और तब से लेकर के उसको पहला ऐसा बोलते हैं कि वो पहला मुरिया दरबार था। 8 मार्च 1976 ये डेट ध्यान में रखिए, पहली बार मुरिया दरबार कब लगा था, सॉरी 8 मार्च 1876 को ये पहली बार मुरिया दरबार लगा था, जिसमें मुरिया जनजाति के लोगों का जीत हुआ था, और दीवान गोपीनाथ जी को दीवान
नहीं बनाया गया था, और तब से लेकर के अब तक मुरिया दरबार लगता है ना। ये फोटो आप देखिए, यहाँ पे लिखा है मुरिया दरबार। ये हमारे प्रदेश के सीएम है भूपेश बघेल जी। ये बस्तर रियासत के राजा श्री, अभी वर्तमान के जो राजा है, कमल चंद्र भंसदेव जी, अभी भी मुरिया दरबार लगता है। ये मुरिया ट्राइब्स के लोग हैं पूरे। इस दरबार में मुरिया जनजाति के लोगों का समस्या को सुना जाता है और उनके लिए कुछ नई योजना भी लाते हैं और उनके समस्याओं को सोल्यूशन भी किया जाता है। ध्यान में रखिए, मुरिया दरबार में किस ट्राइब्स का मेजर रोल रहता है, तो मुरिया जनजाति का, है ना, नाम से ही पता चल रहा है मुरिया जनजाति। पहली बार कब लगा था, 8 मार्च 1876 को। फिर ये बस्तर दशहरा का एक हिस्सा बन गया, और ये कह सकते हो आप कि बस्तर दशहरा का ये अंतिम एक रस्म होता है। अंतिम मतलब एक ब्रॉड लेवल पे कार्यक्रम होता है, लास्ट कार्यक्रम। उसके बाद और भी कार्यक्रम होता है, ओढ़ी भी होता है कुछ कुछ, और कुछ कुछ दो चार कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जनरली मुरिया दरबार को लास्ट माना जाता है, है ना। तो ये हो गया कुछ बातें बस्तर दशहरा को लेकर के। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा बस्तर दशहरा से रिलेटेड। हो सकता होगा कुछ कुछ बातें हमने इसमें ऐड नहीं कर पाए होंगे, है ना, लेकिन एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से जितना भी चीज़ें इंपॉर्टेंट था वो सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में बताया है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक से आप अपनी तैयारी बेहतर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।